हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगी, सॉरी, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छे हैं, मैं भी अच्छी। तो बड़े हो तो प्रणाम लेना, छोटे हो तो ढेर सारा प्यार लेना। और आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ। और करवा चौथ की जो जहाँ से कर रहे हो सबकी स्वास्थ्य बना रहे, सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, यही भगवान से प्रे करती हूँ। तो आज मेरा करवा चौथ का जो ननद का और भाभी का जो एक रिश्ता होता है उसका आज लेन देन जो देते हैं ना, भाभी ननद को देते हैं, तो वो मेरे पास आ चुके हैं। तो मेरी भाभी देके गई थी, मौसी का लड़का और उनकी बीबी आई थी भाभी, तो वो देके गई मुझे सिंगार की सामान के साथ पूरा सेट। और ये साड़ी, ये नेल पेंट, और ये लिपस्टिक, ये क्रीम, ये बिंदी, ये बाल के, ये काजल, तो ये सब देके गई है। ये शगुन की मेहंदी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो और ये इसके साथ ये चूड़ी का सेट, और ये चूड़ी का सेट बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम मैच करा हुआ है। और ये है साड़ी, तो चलो, पिछले साल भी मिला था, इस साल भी मिला है, तो दो साल से वो कर रही है, तो दो साल से ही वो दे रही है मुझे। और मैं भी ननद के लिए लाती हूँ, पर इस साल अभी तक मेरे पास आया नहीं है साड़ी, तो वो मैं ननद को बाद में दूंगी, बाकी का सिंगार का दे दूंगी। तो चलो अभी जाऊंगी। देखो, एक हाथ में मेहंदी लगी है और एक हाथ में नहीं लगी है, तो इसका देखते हैं कुछ कर पाती हूँ। तो चलो वहीं पे जाके देखते हैं, होता है तो आपके साथ शेयर कर दूंगी। मेहंदी लगा के आती हूँ। तो चलो, मेरा अभी कुछ भी मार्केट का सामान नहीं आए, तो वो भी लेना है, सब करना है। तो चलो मेरे साथ मार्केट में, देखती हूँ क्या लेती हूँ, नहीं लेते आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखो मेहंदी लग गई, और याद नहीं रहा कि मैं दिखाऊं, तो लग गई है, अब दिखाती हूँ उसके थोड़ी देर बाद, पूरी जब लग जाएगी तब। तो आऊँगी नहीं आऊँगी करके आई गई आखिर में। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और देखो साड़ी पहन लिया है मैंने, और चूड़ा भी सेट कर लिया, और जो भी थोड़ा बहुत मेकअप अपने आप से कर पाई वही किया है। तो कैसे लग रहा है जरूर बताना मुझे। और मैंने इस कलर का मतलब इस कलर के साथ ब्लाउज यही है तो पहन लिया, नहीं तो अगर पता पहले होता तो मैं थोड़ा गोल्डन में लेती, गोल्डन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने बाल भी नहीं बांधा और अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने। तो ज़रूर बताना मुझे ये साड़ी कैसे लग रहा है। और ये साड़ी मुझे नीतू ने दिया था, तो जो नीतू आई थी, नीतू ने दिया था ये साड़ी। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है कलर मुझे, ये ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है, तो फेवरेट कलर मुझे पसंद आते हैं, तो मैंने पहन लिया उसी का साड़ी। वैसे तो साड़ी ठीक आई। तो चलो पूजा स्टार्ट करते हैं, और सब लोग आए हैं, सबसे मिलाऊंगी, सबसे दिखाऊंगी कौन कौन आए हैं मेरे घर पे। तो चलो देरी ना करते स्टार्ट करते हैं आज की शाम की करवा चौथ की पूजा। हैप्पी करवा चौथ। हैं एक जने, और देखो ये इसकी मम्मी तो मेहंदी लगा नहीं पाई, ये छोटी है करके तबीयत ठीक नहीं है करके, क्योंकि इसका कल लगा था टीका, तो इसलिए ये मेहंदी नहीं लगा पाई, अब बड़ी हो जाएगी तब लगाएगी। तो चलो और दिखाती हूँ, राधु की मम्मी भी आई है। तो ये है राधु की मम्मी, और राधु की मम्मी भी आई है तैयार होके, और अभी तो जाके फिर खाना वाना बनाएगी, तो इसलिए अभी थोड़ा सा कम है, पर रात को नतनी वतनी लगाएगी, सब कुछ करेगी। तो चलो वो तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, अभी आए हैं यही शेयर कर दिया, क्योंकि फिर पूजा करके घर चली जाएगी। और मैंने यहाँ पे ले लिया है, इस बार मेरा साड़ी अभी आए नहीं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगाए तो आए नहीं, तो लेट आएंगे, तो इसीलिए सिंगार के सामान रख दिया और मैंने पूजा का सामान रख लिया, और इसमें अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो चलो पूजा स्टार्ट करते हैं। आए हैं और सब लोग अभी करवा चौथ माता की कथा पढ़ेंगे,
तो मतलब सब लोग सुनेंगे, वो पढ़ेगी। इस बार मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो वो पढ़ रही है। तो चलो कथा स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करो। कार्तिक वदी को चार को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में दृग्ज नामक ब्राह्मण के सात पुत्र और वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती का प्रथम वार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई ने यह देख कर रोने लगे और जल में मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक जलाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई वीरावती, उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। मिला प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दिए था, यह सब उसी का फल हुआ है। अतः अब तुम बारह बाह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के यह वचन सुनकर वीरावती के विधि पूर्वक बारह माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। शाम को एक बार सब कुछ खाना पाना सब दे के बना के तब आती है, और उसी समय नहीं करती, जिस समय वो आएंगे उस समय अपना बना के 7 बजे तक मैं 8 बजे तक पूजा कर देती हूँ यहाँ से, फिर रख देती हूँ। चलो तो चलते हैं। तो चलो पूजा वूजा तो हो गई शाम की, अभी करनी है रात की पूजा। तो रात की पूजा के लिए भी तैयारी करनी है, खाना बनाना है, और अभी जितना मेरा मेकअप का सामान निकाला था उस सब को अंदर भी करना है, ये सब करना है, सबसे बड़ा काम मुझे ये लगता है। तो चलो ये सब करूँगी, करके उसके बाद और इसे चेंज कर दूँगी, और इस साड़ी को चेंज करके तभी मैं दूसरी साड़ी पहनूँगी रात को। तो अभी मैं खाना बनाऊँगी, तो चलो खाना वाना बनाते हैं, तैयारी करते हैं, यही सब करते हैं। आज करवा चौथ के दिन बस खाना पूजा करना और ये बॉडी का हाल देखो। तो टाइम हो गया है देखो, 7:15 होने जा रहे हैं, और मैंने अभी ये बेडशीट चेंज कर दिया और दूसरा लगा दिया, क्योंकि ना अच्छा नहीं लग रहा था, वो थोड़ा सा छोटा होता है तो खींच जाता है, तो मैंने इसको अभी लगा दिया है बेडशीट को। और मैं अभी शाम को सोच रही हूँ ये वाली साड़ी पहनूँ, और इस वाली साड़ी का मैंने ब्लाउज नहीं निकाला अभी तक। ये मेरा राखी का साड़ी थी, तो मैंने सोचा इसको ही पहन लूँगी, ये वाली ब्लाउज़ दे के, ये वाली ब्लाउज़ लगा के इसको पहन लूँगी, तो चल जाएगा। बाद में इसका ब्लाउज़ मैं सिलाई कर लूँगी, तो फिलहाल ये रखा है पहनने के लिए रात की। यहाँ रखा है चावल, तो चावल बनाऊँगी, और बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर, और बनाऊँगी थोड़ा सा परवल की भुजिया, आलू का भुजिया और बैंगन का भुजिया, ये बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने बना लिया है खीर,
तो इतना हो गया है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी पूरी भी बनाना है। खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद फुर्सत से मिलती हूँ, तो फटाफट बना लेती हूँ। और ज़्यादा कुछ बनाऊँगी इसलिए नहीं क्योंकि कल रात को, कल जो मैंने बनाई थी ना फिश वगैरह, वो फ्रिज में रखा हुआ है। मैं ये सारा खाना लेके इधर आ जाऊँगी और फिर बेटा और राहुल है वो लोग फिश निकाल लेंगे, खा लेंगे। मैं और बेटी ये खा लूँगी और ननद को जो देती हूँ खाना, इस ये वाला दे दूँगी और फिश वगैरह से वो लोग खा लेंगे तो हो जाएगा उनका। इसीलिए थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ क्योंकि आज पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा कुछ भी करने के लिए, बिल्कुल भी आज मन नहीं कर रहा बनाने को, करने को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हुआ। तो चलो बना के उसके बाद ही मिलती हूँ, है ना। ये आलू भुजिया, बैंगन का भुजिया, परवल का भुजिया और ये मटर पनीर की सब्ज़ी थोड़ा थोड़ा बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। और तो पूड़ी, और इसमें तो खीर है बता ही दिया था, इसमें चावल, तो ये तो हो गया है। तो चलो अब मैं साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ। तो मैंने साड़ी देखो दूसरा एक पहन लिया है जो दिखाई थी ग्रीन वाली, और एक ग्रीन साड़ी मैंने आज पहली बारी पहना है। और मैंने मॉर्निंग इवनिंग में जो मेकअप किया था वही है और कुछ भी नहीं किया, खाली गले का निकाल दिया था, दोबारा पहन लिया, कान का भी दोबारा पहन लिया और साड़ी खाली चेंज कर दिया। और ये भी खोल के ही मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मैं साड़ी झूठा नहीं करती हूँ कि नेक्स्ट कोई पूजा में पहन सकूँ, इसीलिए जो इवनिंग में पहनी थी वो साड़ी तय लगा के भी रख दिया और बस पूजा करके आई। तो अब मैं इस साड़ी को भी रख दूँगी, बस खाली इस साड़ी में छत पर पानी पी लूँगी, तो बस ये पी के फिर इसको चेंज करके खाना खाऊंगी। तो चलो मैं दिखाती हूँ क्या थाली में रेडी किया, तो चलो दिखा देते हैं। तो ये माँ को भोग लगा दिया, यही जाऊंगी दीदी को देने के लिए। तो करवा चौथ माँ सबको अच्छा रखे, सबको पतियों को लंबी उम्र दे और सबकी स्वागन स्वाग बना रहे। तो चलो अभी छत पे पूजा करने जाते हैं और आप अभी जब तक माता रानी भोग लगा ले, माता के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जन देती हूँ। तो चलो चलते। अभी छत पे हो रहा है अंधेरा, लाइट है नहीं, तो छत पे हो रहा है अंधेरा और हवा चल रहा है, तो दिया नहीं जला पानी, तो अभी दिया जला के पूजा करती हूँ और जितना हो पाएगा उतना शेयर करूँगी क्योंकि अंधेरा हो रहा है चारों तरफ। तो चलो पूजा करती हूँ। पूजा करके तो आ गई हूँ, पानी भी पी लिया है, थोड़ा सा पिया है, तो पहले दीदी के घर जाके दीदी को देके आती हूँ, उसके बाद घर पे आके खाना खाऊंगी। तो चलो दीदी के घर भी चलते हैं। तो अभी डिनर कर रही हूँ और डिनर करके उसके बाद सोऊंगी। तो ले लिया मैंने खाना, सबको दे दिया है। गुड नाइट, फिर मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ। अब